भाइयों के बहनों आपका स्वागत है एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ ऑब्सीडियन, जो विलेज मैंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, जो विलेज मैंने पूरी तरह खाली चोरी खोखला कर दिया था। मैं उस विलेज में जाऊंगा और वहां से ऑब्सीडियन कलेक्ट करूंगा। ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए मेरे को अपने पुराने विलेज से होकर जाना पड़ेगा। तो मेरे को दो विलेज क्रॉस करने हैं, एक ये वाला विलेज जो जिसकी तरफ मैं अभी जा रहा हूँ और जहाँ पे केव पड़ता है, जहाँ पे मैंने केव में ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैं कोशिश करूँगा शायद मैं केव में जाऊँगा तो शायद मैं केव में और वो करूँ, क्या बोलते हैं, सर्वाइवल करूँ या फिर एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि अब मेरे पास शील्ड भी आ चुकी है और मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आ चुका है खेलने का और मैं द बेस्ट भी बन चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें अब आराम से और अच्छी तरह कर पाऊँ। और हम पहुंच गए अपने पहले विलेज की तरफ, जिस विलेज से हम आए थे, जहां पे केव थी। और अब देखते हैं इस विलेज का क्या हाल है, इस विलेज में क्या चल रहा है, क्या यहां पे दुनिया खाली नहीं, इधर विलेजेस अभी भी हैं, ये विलेजेस बड़े ढीठ हैं, ये जाने को राजी नहीं है। तो चलो जो भी है, ये विलेजेस अभी भी यहां पे ओके। और मेरे को सच बोलूं तो मेरे को शील्ड भी चाहिए थी, शील्ड उठाते कहते थे मेरे को यार, तो मैंने शील्ड भी उठा लिया। हाँ, मेरे को शील्ड भी चाहिए थी क्योंकि मेरी ये वाली शील्ड कमजोर हो चुकी है। अब तुम्हें पता मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कोई वाली शील्ड गिफ्ट करने वाला हूँ जस्ट इन केस, ये पता नहीं कौन सी आग के ऊपर अंदर लेके खड़ा है। पर इसको इग्नोर करते हैं और आगे, अबे ये सारे क्या कर रहे हैं अंदर, इनका अलग ही गपा गप चल रहा है। पता है मेरे हिसाब से विलेज का आपस में कोई रिश्ता संबंध, अबे इन्होंने मेरे को देख लिया, माय गॉड कोई बात नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, करते रहो कंटिन्यू जो करना। अबे मेरे हिसाब से मेल और फीमेल आई है मेरे, अबे तुम क्या कर रहे थे मिलकर यहाँ पे, जो भी कर रहे थे मेरे आने पर रुक गए। तो अब टाइम आ चुका केव में जाने का, मेरे को लगा मेरे आसपास ज़ॉम्बी भी हैं। मैंने नीचे वो भी एक गोलम भी पार्क किया हुआ था, पार्क नहीं किया हुआ था मतलब, ये ज़ॉम्बी तो पहला ज़ॉम्बी मिल चुका हमसे लड़ने आ चुका, पर हमारा ज़ॉम्बी कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम जस्ट टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम डैम इट। अब जो अभी हम नीचे जाएंगे, हम नीचे हमारा गोलम वेट कर रहा है, पर पहले मेरे को सारी चीजें तोड़ तोड़ मेरे साथ देखो, अबे इतने सारे कहां से आ रहे हैं। पर जो भी है मैं सबको मार दूंगा, मेरे को एक घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता रहेगा, तो मेरे लिए एक हिसाब से ठीक ही है। पर मेरे हिसाब से ना मेरे पर लड़ने का टाइम नहीं है, मैं लड़ना अभी इतने सारे यहाँ कहाँ से रहे हैं, पहले तो नहीं आते। अच्छा पहले गोलम होता था यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, पर अब गोलम नहीं है तो सारे दो भी इधर ही आते रहेंगे। मेरे को साथ मेरे को जल्दी जल्दी केव में चल जाना चाहिए, इधर टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो मैं केव की तरफ जाता हूँ, पर केव की तरफ भी ध्यान से जाना क्योंकि मेरे को नीचे गिरना नहीं है। तो चलो मैं ब्लॉक का इस्तेमाल करता हूँ नीचे जाने के लिए, नीचे गोलम भी है तो मेरे हिसाब से मेरे को वो प्रोटेक्ट कर लेगा, घंटा 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 प्रोटेक्ट कर लेगा। क्या ये गोलम मेरे को बचाएगा, मेरे को ये देखना। पर चलो जो भी है, मेरे को बड़ा सा अबे हाँ गोलम, गोलम में तो ताकत ही बहुत है, गोलम तो एक बार में ज़ॉम्बी को मार देता। मैं गोलम के पास रहूं तो सारे ज़ॉम्बी ऐसे मरते रहेंगे, पर मेरे को अंदर जाके और भी केव देखनी है। अबे यहाँ पे एंडरमैन भी है, एंडरमैन से भी लड़ ही लेता वैसे तो भी ये गोलम, तो मेरे को यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर एंडरमैन ज्यादा कुछ बोलेगा भी नहीं मेरे को। अबे और अब तो आप देख रहे हैं, यू आर विटनेसिंग गोलम वर्सेस सारे कीड़े मकोड़े, अबे गोलम वर्सेस एंडरमैन, गोलम वर्सेस एंडरमैन, गोलम वर्सेस एंडरमैन, गोलम ने एंडरमैन को मार दिया, ओह माय गॉड। गोलम ने बहुत ही अपने खंजर के साथ अपनी ताकत, उसकी आंखें भी लाल हो चुकी है, कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है इसने, कितनी फाइटिंग की है इसने, शाबाश गोलम, आपको आपकी मेहनत का फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। हाँ उसमें स्टोरी मोड में दिखाते थे कि मैं ऐसे से पानी से अंदर ऐसे जाऊँ ना तो इधर से मैं ऊपर जा सकता हूँ, इसमें गेम में नहीं पता मैं इसमें जा पाऊंगा नहीं। पर नीचे कितना बड़ा एरिया, मेरे को उधर नीचे तक जाना है, मेरे को नीचे तक एक्सप्लोर करना है पूरा। अगर मैं मर भी गया तो मेरे को कोई टेंशन नहीं क्योंकि ज्यादा भी दूर नहीं हूँ, मैं पास ही हूँ तो मेरे को रास्ता तो पता ही है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। पापा मैं मरने की बातें करता क्यों, पर यार आ जाके रिस्क तो लेना है पड़ना अगर एक्सप्लोर वगैरह करना है। एक तो मेरे पास ना हथियार तगड़े होने चाहिए थोड़े उनको मारने के लिए। ओके मकड़ियाँ वगैरह भी आ गया, एक और एंडरमैन आ गया, मेरे को कहीं से ना आवाज आ रही है एक और पैरों की, पता नहीं कहीं से। अभी मेरे साथ है ना ज़ॉम्बी आसपास कहीं पे, अभी मैं पहले सब बिल्कुल मुंह पे ही आ गया तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, अंधेरे में ही पंगा पड़ता पता नहीं लगता ज़ॉम्बी का, इनका कलर भी वैसा ही ना तो बिल्कुल ध्यान नहीं जाता मेरा। ओके एक जो ज़ॉम्बी गया, एक ज़ॉम्बी गया और एक और ज़ॉम्बी गया मेरे को तो, अच्छा मेरे पास थोड़ी बहुत ही फिशें हैं। मैं अभी आयरन आयरन मैंने देखा ही नहीं आयरन, तो मेरे को आयरन चाहिए था और अब मेरा आयरन मिल गया। अभी मेरे को नीचे जाना चाहिए, अभी अंदर कुछ है, अंदर कुछ है, अंदर कुछ है। अभी ये क्या बाहर का एरिया, कौन सा एरिया, अभी अबे ये, अबे मैं तुम्हें हंसा चाहिए, ब्लू वाली बैरी, ये ब्लू वाला कुछ भी है, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मेरे को ब्लू वाली चीज मिली थी, पर ये क्या है, अबे माइनक्राफ्ट का एरिया, ये क्या जगह है, ये कौन सी जगह है, ये नहीं मेरे को पता था, पता क्या, अबे ये कहाँ हो गया हूँ मैं, पर जहाँ पे भी आया हूँ बहुत ही सही जगह पे हूँ, गेम भी थोड़े लग गए हैं और अब मैं अंदर जाने वाला हूँ। अबे ये रियलिस्टिक लगाई हुई है इन्होंने, अबे साथ से ये किसने, विलेजेस ने बनाई हुई है ये जगह, विलेजेस ने बनाई हुई है क्योंकि लग तो देख के वही रहा। अबे और आयरन 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 लावा भी पास में, और तो विलेजेस ने बनाई है मेरे हिसाब से जगह, कोई और कौन ही बनाएगा, पर जो भी बनाए मेरे को घंटा पर बनी, मेरे को बस जो मटेरियल चाहिए मेरे को वो मटेरियल मिल जाए। ओपी यहाँ पे और भी आ रहे हैं, वेरी नाइस। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ये अभी माइनक्राफ्ट है, ये माइनक्राफ्ट है, अंदर माइनक्राफ्ट के अंदर एक वो भी, अबे गोल्डन एप्पल मिल गया मेरे को, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल गया मेरे को मेलन सीड चाहिए थे, मेलन सीड भी मिल गया मेरे को, बड़ी सारी टॉर्च चाहिए थी मेरे को, बड़ी सारी टॉर्च मिल गई। अभी तक मेरे को जो भी सामान चाहिए था, जो भी चाहिए था मेरे को वो सारा मिल गया मेरे को, बस
अब जगह थोड़ी इकट्ठी करनी है, इसके अंदर जगह थोड़ी मेरे को बनानी है अपने अंदर अंदर इन्वेंटरी में। ओ माय गॉड, मैंने कितना सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। अब मेरे को किस साइड जाना, किस साइड, पहले इस साइड जाके देखते हैं। ये मैंने ये भी लगा दिया, आयरन 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 मिलता रहे, मैं तो खुश हूँ। आयरन जितना जल्दी जितना ज्यादा इकट्ठा हो सके उतना मैं इकट्ठा कर लूंगा। और इधर और कुछ नहीं है, ये इतना ही था। इन्होंने कैसी ये माइन कितने कैसी, और इन्होंने एक क्यूब बना रखा है, ये लकड़ का एक क्यूब बनाया हुआ है, इन्होंने ये स्पाइडर टाइप क्यूब बनाया हुआ, मेरे को ये नहीं पता। अब असली मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ना पिछली बार जो आया था वो तो बस मैंने बेइज्जती कराई थी, मरा था उसमें तो बस। आयरन आयरन आयरन, इतना आयरन में इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी क्या ही बोलूं, इतना आयरन मजे ही आ गया। मैं तो इसी केव में इसी विलेज में इतना फायदा हो गया ना मेरा। अबे एक और जगह, अब यहाँ से मेरे को आवाज तो मेरे को हर साइड से आए, ओपे कीड़े की औलाद, पर इसको मैं मारूंगा, इसको मैं मारूंगा, इसने बड़ा दिमाग खराब किया। कीड़े की औलाद तूने मेरा, तेरी अखियां तेरी अखियां तेरी अखियां, मार मार तू मार। अब स्केलेटन को मार दिया मैंने, बकवास। स्केलेटन को मार के जो खुशी मिली है ना, स्केलेटन को मार के जो मजा मिला, ऐसा मजा मेरे को पूरी जिंदगी में कहीं मिल नहीं सकता। ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, पानी है पानी। और अंदर एक और चेस्ट है, अंदर मकड़ी मकड़ी है मकड़ी है मकड़ी है, मकड़ी से पहले ओके एन्चेंटेड बुक, एन्चेंटेड बुक और रेलवे वाली वो सारी चीजें जो मेरे को, सारी चीजें यहाँ पे है जो मेरे को चाहिए। पर ये क्या, अभी ये मकड़ियाँ, दो मकड़ियाँ दो मकड़ी, आ जाओ मकड़ी मारो, अबे आ जाओ तेरी अखियाँ मकड़ियाँ तेरी अखड़ियाँ, आ जाओ मकड़ी मार दी, एक और मकड़ी मारनी, एक और मकड़ी मारनी। अभी यहाँ पे इतना सारा सामान है ना जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को सच में चाहिए, जो सच मैं पता क्या करता हूँ, अभी मैं पता क्या करता हूँ। अभी ये क्या हो गया, ये क्यों टक गया यहाँ पे मेरे को। अच्छा रहने का रास्ता, आगे जाने का भी रास्ता है, मैं आप वापस आ तो मैं वापस चल जाऊँ यहाँ। अभी मैं पता क्या करता हूँ, अभी मैं जितना मेरे पास सामान है उतना रहने देता हूँ, आगे एक्सप्लोर करता हूँ। अभी मैं आगे बस एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ और क्या सामान है, क्योंकि मेरे पे इन्वेंटरी में यार मैं डाल सकता हूँ, इन्वेंटरी में इतनी स्पेस है। अगर मैं फालतू की चीज़ें निकाल दूँ ना, जैसे क्या इन्चेंटेड बुक में सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए, तो ये रखा इन्चेंटेड बुक रखी, ये इधर रखा, और ये कौन सी है, ये सीड्स में सबसे कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। कॉपर में पा बहुत है मेरे को, रेलवे ट्रैक बहुत चाहिए थे, ये मेरे को चाहिए थे। अभी ये क्या है, रेलवे ट्रैक भी मेरे को मिल गई, पावर्ड वाले डिटेक्टर रेल जो भी है मेरे हिसाब से बहुत काम की चीज़ है, ये मैं रखूँगा इसकी जगह, और ये मैं इधर रख देता हूँ। पंपकिन सीड भी मेरे को चाहिए थे, ये भी मेरे को मिल गए। मेरे साथ पंपकिन सीड इतने मेरे काम के है नहीं, पर मेरे को चाहिए थे, ये भी मेरे को मिल गए, मेरे को मिल गए। जितनी भी अभी तक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मेरे हिसाब से जो जो थी वो मैंने रख ली अपने पास। मेरे को थोड़ा खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी तक स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि मेरी वो हेल्थ जाने वाली है। ओ भाई कितना स्टाइल कर दिया मैंने, मज़ा ही आ गया। ओके अब यहाँ से आगे बढ़ते, अब यहाँ से आगे जाना, अभी तो और भी रास्ते हैं जो मैंने नहीं देखे, अभी तो और भी जगह है जो। ओ आयरन आयरन तो मैंने देखा नहीं, ऊपर कितना सारा आयरन है, आयरन कैसे मैं छोड़ रहा हूँ, इतना सारा आयरन इकट्ठा करना, आयरन इकट्ठा करना, आयरन सबसे जरूरी है। इतना आयरन मेरे को द्वारा कहीं मिलेगा नहीं जितना आयरन यहाँ पे मिल गया ना। अब तो मैं यहीं पे आ करूंगा, मेरे को जब भी कुछ चाहिए होगा ना, मैं मतलब मिनरल रॉक वगैरह मैं सेम पे आ करूंगा। मेरे को पता लग गया इस विलेज की केव में बड़ा सारा सीन है, मैं कहाँ ऑब्सीडियन इकट्ठा करने आता, कितनी सारी चीजें मिल रही है मेरे को, मजा ही आ गया यार, मेरी तो जन्नत ही खुल गई। अबे ये तो बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ओ बे बिस्की ओ बे एक और एन्चेंटेड बुक है इन्फिनिटी। अच्छा ये वक्री वक्री है, तो ग्रेवल फालतू की चीज़ है ये निकाल दो, और कौन सी चीज़ है फालतू की जो मेरे को चाहिए और जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से पावर ड्रिल बहुत जरूरी है, पावर ड्रिल मेरे को चाहिए, तो पावर ड्रिल की जगह मैं कौन सी चीज़ है जो निकाल दूँ। वेरी नाइस, और यहाँ पे टॉर्च लगा दी। अबे अंडरग्राउंड और रास्ता भी है मेरे हिसाब से, अभी ना मेरे को इधर से भाप। अबे आयरन पहले आयरन, अबे ये घूम कैसे रहा है, अभी आयरन इकट्ठा कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ना मेरे को अभी इतने सामान लेके वापस चल जाना चाहिए, इतने सामान लेके कलेक्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद मेरे को सेकंड टर्न मारना चाहिए यहाँ पे एक और। अबे कहाँ पे पहुँच रहा हूँ मैं, कौन से रास्ते पहुँच रहा हूँ क्या मेरे। अबे ये माइन कार था, तो इधर से मैं आगे ऐसे करके जा सकता था, पर चलो कोई ना, मेरे हिसाब से मेरे को अभी वापस मुड़ लेना चाहिए अभी के लिए। ये कैसी आवाज थी, कैसी आवाज थी, कैसी आवाज थी, कैसी आवाज थी, पर अभी के लिए मेरे हिसाब से इतना सामान मेरे को जितना मेरे, कहाँ पहुँच गया मैं, ये मेरे को तो लगा था ऊपर जाने का रास्ता है, ये कहाँ पहुँच गया। मेरे हिसाब से ऊपर जाने के रास्ते की तरफ ही पहुँचा हूँ मैं, बस आगे जाके नहीं, मेरे हिसाब से कहीं और पहुँच गया मैं ये। अभी ये ब्लू लैपरस ये जो भी चीज़ है कितनी सारी पड़ी हुई यहाँ पे, मेरे हिसाब से मेरे को इकट्ठी। अबे नीचे और भी रास्ता, नहीं ये वो नहीं है जहाँ से मैं आया था, ये कोई और ही रास्ता है। अबे आयरन 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 ले लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में, पर आयरन वेरी जरूरी है। कितना यार सुंदर है ना ये एरिया, इतना ही सुंदर एरिया ना, मैं क्या ही बोलूं, इतने यहाँ पे ये चमकाहट चमकाहट है मेरे को नहीं पता। अबे नीचे नीचे, अबे वो लाल लाल कुछ भी है, जैसे ब्लू कलर के नीचे पत्थर, उधर लाल कलर के भी पत्थर है नीचे और। अबे कितना ही सुंदर एरिया बनाया यार, कितना ही सुंदर एरिया, मेरे को तो एक जगह अभी मिलनी नहीं थी माइनक्राफ्ट में, अगर मैं विलेज का चक्कर मारने नहीं आता ना। अब बस मेरे को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता देखना है कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ से पड़ता है। अबे वो क्या है, वो क्या, वो क्या, वो गोल्ड गोल्ड, अबे गोल्ड भी मैंने कभी कलेक्ट नहीं किया, गोल्ड भी है यहाँ पे। ओ माय गॉड, तो पहली बार तो मैं माइनक्राफ्ट में पहली बार गोल्ड इकट्ठा करने वाला, ये हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। ये मैंने गोल्ड गोल्ड क्या किया, जो भी किया इसका, ये मैं गोल्ड तोड़ रहा हूँ, गोल्ड तोड़ रहा हूँ, गोल्ड तोड़ रहा हूँ, अगर गोल्ड बर्बाद ना हो इससे। नहीं यार ये मत कहना कि आयरन वाले टूल से ही गोल्ड वगैरह वो चीज़ इकट्ठी होती हैं, डायमंड वगैरह आयरन वाले से ही होता है।
मैंने अपना गोल्ड बर्बाद कर दिया। जो पहली बार मैंने गोल्ड करना था, मैंने पहली बार ही गोल्ड क्रैक करना था, मैंने पहली बार ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरे पास आयरन का वो नहीं है, आयरन का वो नहीं है, आयरन मेटल मेटल का मेरे साथ है, जो भी आयरन का वो नहीं है, ये जो पिक्सो ही कहते हैं ना इसको, अभी कैक्स ये नहीं है, फालतू बकवास होगी। आयरन भी बहुत सारा, कितना आयरन का अभी तक मेरे पास 39 आयरन इकट्ठा हो गया, शाबाश। पहले सोचने वाली बात है, मैं बड़ी ज्यादा टिक गया, वरना मैं ज्यादा केवल में टिकता नहीं हूं, पर मैंने तुम्हें बोला था जितना मैं ज्यादा माइनक्राफ्ट खेलूंगा, जितना मैं एक्सपीरियंस इकट्ठा करूंगा, उतना मुझे माइनक्राफ्ट और खेलना आ जाएगा। अब मेरे को इस रास्ते जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस रास्ते शायद गया नहीं था, तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका इस रास्ते जाने को, आगे नहीं जाना चाहिए, पर मेरी जिज्ञासा, मेरे तलब, अबे नहीं आयरन, एक तो आयरन की भूख में ना बहुत पंगे पड़ने हैं, आयरन के चक्कर में मैं इतने चीजें इकट्ठी करी जा रहा हूँ, इतना आगे आई जाइए जा रहा हूँ ना, मेरा पंगे पड़ना है मेरे को लगता है, पर क्या ही करूँ, जब आयरन किसी को ना मिला हो इतने टाइम तक और फिर उसको इतना सारा आयरन मिल जाए, वो कैसे रुके, कैसे रुके, मेरे को बताओ कैसे रुके, अबे आयरन इकट्ठा ही नहीं हो रहा, अबे यार मेरे को बाहर चल जाना चाहिए, मेरे को ज्यादा पंगे नहीं कर लेने चाहिए, पर यार इतनी बड़ी केव बनाई है, इतना कुछ है यहाँ पे, मैं कैसे अपने आप को रोकूं, ओ बे यहाँ पे और भी वो आयरन है, मैं आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ, तो मेरे पास 64 आयरन तो इकट्ठा हो ही गया, मेरी गेम भी सो ही गई, मेरे पास 64 आयरन तो इकट्ठा हो ही गया, ये बात तो पक्का हो ही चुकी है, 64 आयरन, कभी सोचा था मैं इतना आयरन इकट्ठा करूंगा नहीं, पर अब मैंने इकट्ठा कर लिया, जब तुम्हें चीज़ चाहिए होती है तुम्हें मिल ही जाती है, ओके। और ये पर ये सारी चीज़ें इतनी बनाई किसने, ये ट्रैप टाइप है कुछ, यहाँ पे कोई गिरेगा तो फंस ही जाएगा, पर अब मैं वापस जा रहा हूँ, अब नहीं और ज़्यादा बहुत लालच आ गया मेरे में, अब मेरे हिसाब से इधर से वापस जाना था, इधर से बाहर जाने का रिश्ता मेरे हिसाब से शायद, अबे ये ग्रीन नहीं ये तो घास थी, मैं तो कुछ और ही सोचा था, इतना शौक कैसे होता हूँ मैं, अब बाहर जाने का रास्ता कहाँ था मेरे को याद नहीं आ रहा, बाहर जाने का रास्ता कहाँ था, और मैं घूम चुका हूँ शाबाश, तो मैं अब एक केव में घूम चुका हूँ जहाँ पे मेरे को नहीं होना चाहिए, वेरी नाइस, यही चीज चाहिए थी मेरे को, एक केव में घूम जाना, शाबाश, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि एक केव में इतना अंदर चल जाओ कि घूम जाओ और तुम्हें पता ना लगे बाहर आने का रास्ता कौन सा है, शाबाश शाबाश, शॉर्ट लाइन, ये सारी चीजें मैंने कभी देखी नहीं है, मतलब माइनक्राफ्ट में कभी देखी नहीं, असलियत में कौन सी देखी है, मुझे अभी हमें सारी, अबे ये क्या चीज है, ये पर्पल क्या चीज है, ओके ये पर्पल, ये क्या चीज है, ब्लॉक ऑफ एमेथाइस्ट, पता नहीं जो भी है मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है पर्पल चीज क्या है, पर मेरे को ये बहुत ही सही अनोखी चीज लग रही है, तो मैं सारा इकट्ठा करूंगा, अबे ये कौन सी जगह पे पहुंच गया है, तो अबे ये क्या है, ये कौन सी जगह है, ये क्या है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था ये कौन सी जगह पे पहुंच रहा हूँ मैं, अबे अब मैंने हेडफोन पहन के सुन रहा है, इनको तोड़ के अजीब सी आवाज आ रही है, अच्छा मेरे वो भी खत्म हो गया, अब मेरे, अबे इनको कितनी सही आवाज आ रही है इनको तोड़ते टाइम, पर अजीब सा कुछ वो भी साउंड इफेक्ट आया, अबे इस पे तो चलते टाइम भी अजीब सी आवाज आ रही है, तो मेरा पिकैक्स अब खत्म हो चुका है, मेरे को वापस जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मेरे पास अब एक और पिकैक्स नहीं है, मेरे पास जितना सामान इकट्ठा होना था मैंने इकट्ठा कर लिया, मेरे को ये सामान लेके वापस जाना, अबे एक क्रिस्टल तो नहीं, क्रिस्टल डायमंड टाइप तो नहीं कुछ, पर जो भी है मैं इधर वापस आऊंगा, ये सारा सामान कलेक्ट सेव करने के बाद और फिर अपने मेन मिशन पे दोबारा जाएंगे, जो कि ऑब्सीडियन है, जो कि मैं भूल ही गया था, पर मैं यहाँ से बस वापस चल जाऊँ, बस मेरे को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता शांति से मिल जाए, तो अभी वो ये क्या चीज है, ये क्या चमक रहा है, ये लाइट ब्लू क्या है, मैं यहाँ पे भी जाऊंगा, जो भी लाइट ब्लू चीज है मिल जाए, अबे ये क्या चीज है, मेरे को ये भी चाहिए, पर मेरे पिकैक्स पिकैक्स खत्म हो गया, मैं कैसे कलेक्ट करूँ ये सारी चीजें, अगर मैं इससे तोड़ने में लगूंगा मेरे हिसाब से बड़ा टाइम लग जाएगा, और मैं इतना टाइम पर बात करना नहीं चाहता, पर बाहर जाना, और ये कौन सा स्टोन है इतना सारा, ये क्या है ये, अबे ये लाल वाले जैम, मेरे को कितनी सारी चीजें चाहिए यहाँ पे, मैं ये नहीं कलेक्ट कर सकता क्योंकि मेरे पिकैक्स खत्म हो चुका है, जा रहा, अबे बाहर आ गया, तो आखिरकार मैं उस केव से बाहर निकल, अबे एंडरमैन दूर रहे मेरे से, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तेरा एंडरमैन, मेरे को जाने दे चुपचाप, मेरे पास बहुत सामान है, मेरे को चुपचाप यहाँ से जाने दो, मेरे को सामान लूज नहीं करना, मेरे पास बहुत सामान है, मेरा पीछा कर रहा है मेरा ज़ॉम्बी पीछा कर रहा है, तेरी अखियां निकल यहाँ से, बकवास की औलाद, अब मैं जाऊंगा सीधा अपने घर की तरफ, ये सारा, अबे कौन मार रहा मेरे को, कहाँ से, अबे कीड़े की औलाद, चल निकल यहाँ से, तू मेरे को मारेगा, इतनी औकात तेरी, अच्छा नहीं अभी और भी ऊपर को जाना, अभी ऊपर को मैं गया नहीं हूँ, अबे वो क्या चीज, अबे इसने मरना, इसको मार ही देता हूँ पहले मैं, बाहर मेरे पास चीज है, स्केलेटन मेरा फाइनल शो डाउन, अबे हेडफोन गया, स्केलेटन मेरा फाइनल शो डाउन, तेरी अखियां, रुक अब तुम्हें चीज दिखाऊं, ये देखो अब फट जा, अब इसको लगी ये ले तेरी, अब ऊपर आ जा, तेरे से तो लड़के जाऊंगा, तेरे को बिना मारे मैं जाऊंगा नहीं यार, बड़ी होगी तेरी मेरी बकवास, ये चल तेरी अखियां, अब मेरे को मारता है, और आज आके मैंने इसको ही मार दिया, कीड़े को जितना दिमाग खराब किया हुआ था इसने मेरा, और अब टाइम अभी ये क्या मकड़ी, मेरे को ना और नहीं लड़ना, मेरे हिसाब से मैं कुछ ज्यादा होशियारी में आ रहा हूँ, मेरे को चुपचाप यहाँ से चल जाना चाहिए, तो मैंने ये सारा सामान कलेक्ट किया, तो मैंने इतना सारा ट्रेजर फाइंड किया जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ भाई, मैं बहुत ही खुश हूँ, जो भी मैंने किया, वेरी क्लॉप मिशन सक्सेसफुल, जो मेन मिशन था वो तो नहीं हुआ, पर जो साइड मिशन था जो कि अचानक आ गया वो कंप्लीट हो चुका है, सो नाइस, सो बेस्ट टी शॉट लाइन, तो अभी के लिए बस इतना ही, धूप सेको, पानी पियो, नींद पूरी करो और बकरियां पालो, और तुम्हें बस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहाड़ में जाओ।